उत्तराखंड के लक्सर रुड़की लहबोली ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से हुए हादसे में मरने वाले लगभग आधा दर्जन लोगों के परिजनों को हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे सांत्वना देने पहुंची। आपको बता दें कि रुड़की के लहबोली गांव स्थित ईंट भट्टे पर बीते कुछ दिन पहले सोमवार की सुबह करीब 8 बजे दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत होने के साथ साथ 2 पशुओं की भी मौत हो गई थी। वहीं हादसे में करीब 3 लोग घायल भी हो गए थे, जिनका उपचार अभी चल रहा है। वहीं इसके बाद बुधवार को JCP पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे सभी मृतकों के पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने उनके घर पहुंची। भावना पांडे ने मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों से बातचीत करते हुए घटना पर दुख व्यक्त किया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने पीड़ित परिजनों का ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ये झूठ बोलते हैं। अभी उसी गांव में मैंने देखा कि अभी 2 साल पहले एक बच्चे को गोली लग गई थी और उनकी चिट्ठी दिखाई उन्होंने मेरे को, मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दूंगी, फोटो है मेरे पास। और 2 साल से उनको घोषणा की 15 लाख की, 15 रुपए भी नहीं दिए। ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो झूठ की फैक्ट्री है, ये झूठ की मशीन है ये। और फेसबुक चमका देंगे लोगों को साथ। अब ये ठगी का ठेका तुम्हारा खत्म। बता देना जो मेरे लोगों को मुआवजा दे दो धामी भाई, वरना उत्तराखंड के अंदर इतना तुम्हारा दुष्प्रचार होगा, तुम्हारे मोदी मोदी फेल हो जाएंगे। बता दिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।